मैं डॉक्टर कमर बाज़ेदी, मेरे सुपरविज़न में मेघना अग्रवाल ने नीट 2023 की परीक्षा को 616 नंबर से पास किया है। इनका इस वर्ष गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो जाएगा। मैं इस मौके पे इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके फादर सौरभ अग्रवाल जी को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी को समय समय पर प्रोत्साहन दिया और उसके साथ बने रहे, उसकी एजुकेशन पे पल पल पर ध्यान दिया। जब पिछले साल इनका दाखिला नहीं हुआ था, कुछ नंबरों से रह गई थी, 2-3 नंबरों से रह गई थी, तो मेरे पास आए थे और इन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया, मैंने भी समझाया कि बेटी एक साल और तैयारी करोगी तो अगले साल आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा। और इन्होंने मेरी इस बात को माना और इस वर्ष इन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से गवर्नमेंट कॉलेज को हासिल कर लिया है। इस मौके पर इन्हें मैं बधाई देता हूँ। आज मेरे इंस्टीट्यूट पर खुर्शीद हैदर जैदी, पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा, आए हुए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। खुर्शीद हैदर जैदी को भारत सरकार ने गवर्नर अवार्ड से सम्मानित किया था। खुर्शीद हैदर जैदी एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान रखते हैं। इन्होंने बहुत से बच्चों को आगे बढ़ाया है। जो बच्चे गरीब रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हें आज बहुत अच्छी जगह पहुंचा दिया है। खुर्शीद हैदर जैदी के पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS भी हैं, PCS ऑफिसर भी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में मतलब इंजीनियर मैनेजर सभी कुछ हैं। इनका एक अच्छा योगदान रहता है। ये जिस बच्चे को देखते हैं कि बच्चे में टैलेंट होता है तो उसे काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि ये मेघना अग्रवाल को फूलों का दस्ता गुलदस्ता दे के सम्मानित करें। मैं खुर्शीद हैदर जैदी से अनुरोध करता हूं कि इनके पिता श्री सौरभ अग्रवाल को भी गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। अंत में मैं मेघना अग्रवाल, उनके फादर श्री सौरभ अग्रवाल का धन्यवाद अदा करता हूं कि आज वो यहां आए और इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। देखिए, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक साल पहले ट्रस्ट कर रहे हैं कि मेरे सुपरविज़न में उनकी बेटी एग्ज़ाम पास कर लेगी। ये ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी गार्जियन के लिए। सौरभ अग्रवाल जी ने इस पे विश्वास किया मुझ पर। मैंने कहा था कि अगले साल अपनी बेटी निकाल लेगी, इन्होंने विश्वास किया, इनकी बच्ची मेरे पास पढ़ने आती रही। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। अंत में मैं आपको बच्चों आज एक नई चीज़ बताऊँ। मैंने जो अमरोहा में आके कामयाबी हासिल करी है, मैं तो लखनऊ में रहता था, लखनऊ से मुझे अमरोहा लाने वाले खुर्शीद हैदर जैदी हैं, पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, इनके ही आशीर्वाद से और इनके बताए हुए रास्ते पे चलकर आज मैं इस मंजिल पे पहुँचा हूँ। मैंने बताया था ना कि हर किसी आदमी को, हर किसी इंसान को सक्सेस होने के लिए एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है। तो मेघना अग्रवाल का तो मेंटर मैं हूँ, लेकिन मेरे मेंटर जो हैं वो खुर्शीद हैदर जैदी हैं। थैंक यू, आज मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। हमेशा से ये था कि मुझे पता है तू कर लेगी, तू कर, पर आज वो नहीं है। आज मुझे सक्सेस मिली है, आज मैं उनकी लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी अगर टीचिंग्स, जो जो उन्होंने मुझे वैल्यूज सिखाई हैं, जो जो उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे पढ़ना है या कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, अगर उनकी गाइडेंस नहीं होती तो भी मैं कभी नहीं कर पाती। उनकी, अपने टीचर्स की, अपने फादर की, जितने भी लोग मेरे से, मेरे कितने कलीग स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सबने सपोर्ट किया, जो मैं आज सक्सेस मुझे मिली है, तो मैं आज इतनी खुश हूँ। मैं मेघना अग्रवाल से कहूँगा कि वो अपने इस मौके पे दो शब्द आप लोग के लिए बोलें। मैं अपने टीचर, अपने सर के लिए इतनी थैंकफुल हूँ। अगर वो, उन्होंने मुझे कभी मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद आज ये दिन मैं कभी नहीं देखती। या इतनी सक्सेस जो मुझे आज खुशी है, या मेरे फादर को इतनी खुशी है, मेरे घर वालों को, सबको इतनी खुशी है, वो शायद ये दिन मैं कभी नहीं देख पाती। पर सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मतलब मुझे कहा कि तुम कर सकती हो, मुझे खुद को मेरी कैपेबिलिटीज़ दिखाई कि आज मुझे सक्सेस मिली है, तो आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं अपने फादर के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें भी इतनी रिस्पेक्ट मिली उस वजह से।